साहिबा, तो आप हमसे खफा होकर यहाँ बैठी हैं अपने बेटे के कमरे में। क्या आप हमें बता सकती हैं कि हमारी खता क्या हुई? एक हो तो बताएं, आपकी खताओं का खजाना है हमारे पास। तो रानी साहिबा, हमें जानने का हक है, जरा हमें बताइए ना कि क्या हुआ, क्या हमने क्या किया। क्या बना, 3 दिन हो गए, 3 दिन से आपने हमारी तारीफ ही नहीं की। अरे रानी साहिबा, नामुमकिन काम नहीं होता हमसे। क्या? नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि आपकी तारीफ तो हम कभी भी कर सकते हैं। आप कहें तो अभी आपकी तारीफ कर दें। अच्छा ठीक है, तो आप अभी हमारी तारीफ में एक शेर बोलिए और दिल से बोलिएगा। जरूर जरूर रानी साहिबा, आपकी तारीफ में एक शेर अर्ज है। आप कुछ इस तरह हमारे दिल में समाई है, आप कुछ इस तरह हमारे दिल में समाई है मानो बाजरे के खेत में भैंस घुस आई। क्या ये शेर है? ये शेर है? ये हमारी तारीफ कर रहे हैं या हमारी तौहीन कर रहे हैं? पुरानी साहिबा, क्या हमारा जरा गला सूख रहा था ना, तो इसलिए ये शेर निकला है। हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, हम फिर बस। हम सब समझ गए, आप हमसे प्यार ही नहीं करते हो। यहाँ आपका गला सूख रहा है और वहां दरबार में खामोश खरगोश, खामोश खरगोश, खामखा चिल्लाते रहते हो। किसी और को तो बोलने ही नहीं देते, अकेले अकेले बस चीख हम चिल्ली करते हो। एक तो जानकारी कम, फिर भी बोलेंगे हम। आपसे अच्छे तो हमारे दुश्मन है जो हमारी तारीफ करते हैं। हमला हमला, जहां पनाह, हमला हमला। ये तो रोज होता है, इसमें कौन सी नई बात है बलदेव? जहां पनाह बहना, आप पर रोज हमला करती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने पुराने दुश्मन दाऊद खान की बात कर रहे हैं। दाऊद खान ने पानीपत के पुराने किले पर हमला कर दिया है और यहाँ शहजादे सलीम युद्ध की नीति बना रहे हैं। क्या? सलीम? अरे इस गधे के बच्चे को किसने कहा था युद्ध नीति बनाने के लिए? क्या बना? गधे का बच्चा? अरे गलती से मुंह से निकल गया। हम वो जहां पना गधा घेंडा बाद में करेंगे, अभी चलिए जहां पना। हाँ चलिए चलिए चलिए, जाइए जाइए, वो ज्यादा जरूरी है। हमारी तारीफ किए बिना ही चले गए दाऊद खान से लड़ाई करने। सलीम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि युद्ध की नीति बनाने के लिए आपको किस बेवकूफ ने कहा? आपने अब्बा हुजूर? हाँ, कल आप ही ने तो कहा था कि हमें युद्ध के लिए नई नीति बनानी होगी। हाँ, हमने युद्ध की नीति बनाने के लिए कहा था, लेकिन आपसे थोड़ी ना कहा था। हर बात अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? और ये दाऊद खान, इसे भी अभी हमला करना था। जा बना, हैरानी की बात तो ये है कि हमारे लोगों को पता ही नहीं चला कि उसने हमला कब किया। रात के अंधेरे में उसने अचानक हमला कर दिया। बलदेव, हमने जासूस क्यों रखे? ताकि वो हमें महफूज रखे। लेकिन ये जासूस हमें कोई खबर देते क्यों नहीं है? जापना, हमले की तो कोई खबर नहीं है, लेकिन हमारे जासूसों ने खबर दी है, वो पढ़कर सुनाता हूँ। जापना, खबर ये है कि राज्य में चोरी की महामारी, केला गली में लोगों ने भर भर के तरबूज लूटे, शहर में 155 कुत्तों की संख्या घटकर 153 हो गई है। ये खबरें दे रहे हैं हमारे जासूस हमें, ये खबरें चाहिए हमें। अरे हमारे जासूसों से कहिए कि हमें पड़ोसी राज्य की खबरें चाहिए, अपने खुद के राज्य की नहीं। सारे के सारे बेकार हैं एकदम। सारे के सारे नहीं जापना, कल ही हमने एक जासूस को पकड़ा है। वो जासूस हमारी खबरें जाकर दाऊद खान को दिया करता था। उसे हमने कैद खाने में रखा है। जंग के माहौल में ऐसे जासूस बड़े काम आते। फिर बोले, दाऊद खान हमारा अमन प्रस्ताव मंजूर क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बात पे थोड़ी रोशनी डालिए, चाहते क्या है ये? हिंदुस्तान, पूरा का पूरा हिंदुस्तान चाहिए दाऊद खान। जापना, हमारे हिसाब से दाऊद खान जैसे धोखेबाज और चालबाज इंसान से शांति की उम्मीद करना व्यर्थ है। जापना, बीरबल जी की तो आदत बन गई है बिना सोचे समझे उपदेश देने की। हमें लगता है दाऊद खान को एक मौका देना चाहिए। सही कह रहे हैं आप बलदेव, हम उन्हें एक मौका और देंगे। दाऊद खान को फरमान भेज दिया जाए कि अगर 2 दिनों में उन्होंने हमारा अमन प्रस्ताव मंजूर नहीं किया,
तो हम ऐसा हल्ला बोलेंगे कि दाऊद खान और उसके आने वाली 7 नस्लों का नाम और निशान मिट जाएगा। अभी हम फरमान तैयार करवाते हैं जापना। हुजूर, 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 जापना की जय हो। शायर आमिर खान आपसे मिलने आए। शायर आमिर खान? शायर आमिर खान? वो भी बिना इत्तला किए? ये बात हमें ठीक नहीं लग रही है जापना। जापना, शायर आमिर खान आपके मित्र है, इन्होंने आपकी जंग में सहायता की थी। अगर ये सहायता नहीं करते तो आमिर खान के भाई गरीब खान के खिलाफ आप जंग कभी नहीं जीत सकते थे। हम आमिर खान से मिलना चाहते हैं, उन्हें बुलाया जाए। शायर आमिर खान हाजिर हो। जहां पना, आपकी खिदमत में शायर आमिर का आदाब। आदाब आमिर खान साहब, आदाब। धूम मचा दूं, रंग जमा दूं, रेगिस्तान में फूल खिला दूं। जहां पना आपकी इजाजत हो तो आपकी शान में शेर अर्ज करना चाहता हूं। इरशाद। अर्ज किया है, अब्बू हमारे कहते थे बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा सबका काम तमाम करेगा, और जब कभी घोड़ी में होगा सवार, हर शख्स उसको झुककर सलाम करेगा। धूम मचा दूं, रंग जमा दूं, रेगिस्तान में फूल खिला दूं। वाह, वाह, क्या शेर सुनाया है। सुन रहे हैं हम भी। आमिर खान साहब, आपकी शायरी में कुछ मजा नहीं आया, मतलब आपकी शायरी कुछ फीकी सी पड़ रही है। कहिए वैसे आना कैसे हुआ? जहां पना, हमारी शायरी बावर्ची के साथ भाग गई है? मतलब हमारी शायरी की जो प्रेरणा है, उस हसीना का हमने नाम दिया है शायरी, वो किसी के साथ भाग गई। अब हम शायरी की नई प्रेरणा ढूंढने दिल्ली आए हैं। अगर आपकी इजाजत हो जहां पना, तो इस आलीशान महल में हम कुछ दिन रहना चाहते हैं। देखिए, आप हमारे महल में रुकेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि जरा जंग का माहौल चल रहा है और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपको किसी प्रकार की तकलीफ हो, तो हमें सोचने का थोड़ा सा वक्त दीजिए। आप शाही बगीचे में जाकर हमारा इंतजार कीजिए, हम कुछ देर में आपको इत्तला करते हैं। जो आज्ञा हो जहां पना। सिपाहियों, जरा इन्हें शाही बगीचे में लेकर जाइए। जहां पना, ये क्या कर रहे हैं आप? एक दुश्मन को पनाह दे रहे हैं? जानबूझकर आप खतरा मोल ले रहे हैं? हो सकता है कि रात के अंधेरे में आप पर हमला कर दे, तो ये मत भूलिए, आप एक दुश्मन के भाई को पनाह दे रहे हैं। विभीषण भी दुश्मन का भाई था, रावण का भाई था, फिर भी राम जी का सबसे प्रिय मित्र था। उसे पता था कि रावण गलत है और राम जी सही, इसीलिए उन्होंने राम जी का साथ दिया। उसी तरह इन्हें पता है कि इनका भाई गलत था और इन्होंने आपका साथ दिया। जाओ, आप ठीक कह रहे हैं बीरबल, आमिर खान को इत्तला कर दिया जाए, वो हमारे महल में मेहमान बनकर रह सकते। लेकिन हम पूछते हैं भाई साहब कि हमें पूछे बिना जहां पना ने इजाजत ही क्यों दी आमिर खान को इस महल में आने की? ये वजह भी सही है। ठीक है बहना, बहना, उस आमिर खान को इस महल से निकालना होगा। हम निकालते हैं भाई साहब। वो है कहां? अपने मेहमान कक्ष में। बहना, तब तक हम दाऊद खान को फरमान भेज कर आते हैं। हमारी इजाजत के बिना, मान ना मान, ये कैसा मेहमान? आमिर खान। आमिर खान, तुझे तो मैं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ओए, आमिर खान, हम नीचे हैं। धूम मचा दूं, रंग जमा दूं, रेगिस्तान में फूल खिला दूं, रानी साहिबा की शान में शायर आमिर का आदाब। हाँ हाँ, आदाब आदाब।
फिलहाल एक शेर अर्ज है। ऐ मेरे खूबसूरत शेर, ऐ मेरे प्यारे शेर, इस खूबसूरत हसीना से तो डर, जिसकी एक अदा पूरे शहर में मचा सकती है गदर। वाह वाह वाह, क्या शेर है आमिर खान साहब। लेकिन रानी साहिबा, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? अरे हम तो आपको बाहर ये? नहीं नहीं, खूबसूरत बला कुछ और बोली। बाहर से हमारे महल में पधारे जी, तो आप हमारे मेहमान हुए ना जी, तो मेहमान की खातिरदारी करना, उनका स्वागत करना तो हमारा फर्ज बनता है। आपको जो चाहिए, खाना पीना किसी भी चीज की जरूरत हो, आपकी खातिरदारी में हम हाजिर रहेंगे। जी शुक्रिया, नवाजिश। हाँ बस बस बस, लेकिन आप याद रखिएगा, खूबसूरत औरत, खूबसूरत औरत, खूबसूरत औरत, माशाल्लाह, याद रखिए। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, धूम मचा दूं, रंग जमा दूं, रेगिस्तान में फूल खिला दूं। रानी साहिबा, मैं यहाँ आप पे शायरी करने नहीं आया हूँ, मैं तो किसी खास और गहरे मकसद के लिए यहाँ आया हूँ। हाँ अम्मी जान, चाय खून है हम, आज आप हमारे मसाला दूध में जरा बादाम और पिस्ते ज्यादा डालना, क्योंकि आज हम अपनी फौलादी टांगों की कसरत कर रहे हैं। मुझे बताया भूभी, और मैं हाथों की कसरत कर रहा हूँ। अम्मी जान, हाँ बोलो। अरे हमने आपसे मसाला दूध मांगा था, मसाला पान नहीं मांगा था। वो तो अच्छा हुआ हमने दूध में सुपारी देख ली, वरना हमारे फौलादी दांत टूट जाते। बहना बहना बहना, आप कितनी अच्छी हो, कितनी अच्छी हो, हमें पता है उस शायर को आपने इस महल से धक्के मारकर निकाल दिया होगा। उन्हें कौन धक्के मार के बाहर निकाल सकता है? हाँ वो तो खुद एक खूबसूरत खुशबूदार हवा का झोंका है। बहना, आपको दुश्मन से इतनी हमदर्दी? दुश्मन? कौन दुश्मन भाई साहब, कौन दुश्मन, किसका दुश्मन? हाँ एहसान है उनका, तो एहसान है हम पर, उनका नाम ही एहसान होना चाहिए था। अरे हम तो इतने बरसों से तरस गए थे कि कोई तो हमारी तारीफ करे कोई तो हमारी तारीफ करे, लेकिन नहीं, आमिर खान साहब ने हमारी तारीफ की। खबरदार खबरदार, अगर किसी ने भी हमारी इजाजत के बिना उन्हें यहां से निकाल दिया तो चलो पान खाते हैं। बहनों, ये बहना क्या कर रही है? बहना सांप को दूध पिला रही है। क्या कहा? शाही खून है हम। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं भांजे, हम उस शायर आमिर खान की बात कर रहे हैं। हमें तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आप दोनों एक काम कीजिए, आज से नहीं, आज से नहीं, अभी से उस पर नजर रखिए। उसकी छोटी सी छोटी बात हमें खबर करते रहे। हम उस पर नजर रखना शुरू कर दें, जैसे हमारे पास तो और कोई काम है ही नहीं। क्या हूं, शाही खून है हम मामूजान। और वैसे आप खुद क्यों नहीं उस पर नजर रखते? भांजे भांजे, आप समझते नहीं है, दाऊद खान ने जंग छेड़ दी है। अगर उसने हमारा अमन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो हमें हमला बोलना होगा। हम बाहर के दुश्मन पर नजर रखते हैं, और आप दोनों
अंदर के दुश्मनों पर नजर रखिए। कुछ ढूंढ रहे हैं आमिर जी? नहीं बीरबल जी, मेरी शायरी की प्रेरणा को ढूंढ रहा हूँ। न जाने कब कहाँ किस शक्ल में मिल जाए, और फिर मिल जाए तो मैं उसी तरह से धूम मचा दूं, रंग जमा दूं और रेगिस्तान में फूल खिला दूं। आमिर जी, अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं तो यूं ताका झाकी बंद कीजिए। वैसे भी महल में काफी लोगों को आप पे शक है, उनका शक मत बढ़ाइए। जी बीरबल जी, दाऊद खान आ रहे हैं, उन्होंने अमन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। क्या दाऊद खान आ रहे हैं? आप जानते हैं दाऊद खान को? नहीं, मैं कभी देखा ही नहीं दाऊद खान को। मैं नहीं नहीं जानता। आइए 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 दाऊद खान जी, आइए। ये है हमारा शाही दरबार। बताइए कैसा लगा हमारा शाही दरबार? ठीक ही है। अगर हम बादशाह होते तो हमारा दरबार इससे कई गुना बड़ा और कई गुना ज्यादा खूबसूरत होता। आइए तशरीफ रखिए। आइए। मुगलिया सल्तनत में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। दाऊद खान जी, क्या आपको बादशाह अकबर का शांति प्रस्ताव मंजूर है? इतनी जल्दी भी क्या है, कर लेंगे मंजूर, कबूल कर लेंगे। पर पहले हम बादशाह अकबर को यह तो बता दें कि हमारा दिल भी कितना बड़ा है। के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद खान, लेकिन अब हम भी आपको खाली हाथ यहां से वापस नहीं भेजेंगे। इस अमन के प्रस्ताव पे आपकी मंजूरी लेकर ही आपको यहां से विदा करेंगे। जापना, ये शांति प्रस्ताव तभी पूरा होगा जब दाऊद खान जी पानीपत का खिला हमें वापस करें। अगर हम आपकी जगह होते तो बिल्कुल यही कहते। हम वापस लौटते ही आपको वो किला वापस कर देंगे। छोड़िए, कहां कहां घूमते रहते और क्या क्या सोचते रहते? उर्वशी, हम ये सोच रहे हैं कि एक आदमी पहले हमला करता है और फिर शांति प्रस्ताव भी स्वीकार कर लेता है। दाऊद खान जैसा दिखता है वैसा है नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो है जो हमारे नजर से छुपा हुआ है। छोड़िए। क्या छोड़े? यूं शक करना छोड़िए और दाऊद खान से कुछ सीखिए। हम उससे क्या सीखें? हमला करना, प्यार का हमला। आप एक बार हम पर प्यार का हमला कीजिए और फिर देखिए हम कैसे धूम मचा दूं, रंग जमा दूं, रेगिस्तान में फूल खिला दूं। ख्वाबों की रानी, हुस्न की मलिका, यूं तो जन्नत की हूर हो तुम। अगर एक मौका दे दो तो दिल की महारानी बनाना चाहता हूं आपको। छोड़िए। इनके कहने का मतलब है कि वाह वाह, क्या शायरी करते हैं आप। वैसे एक बात बता देते हैं आपको,
यहाँ आपकी दाल नहीं है गलने वाली, क्योंकि रानी साहिबा कुछ ही देर में आकर यहाँ आपसे है मिलने वाली। अभी तो चलता हूँ, ए हसीना तुझसे दोबारा फिर मिलूंगा। वो शायर आपसे डर कर कायर हो गया। क्या? आपके डर पर कायल हो गया। आप ही को ढूंढ रहे थे वो। सच? कहाँ कहाँ? इस तरफ गए। उस हम जाते हैं। कहाँ है वो कमजोर शायर आमिर खान? छोड़िए उर्वशी जी, अगर आप कहेंगी तो हम सब कुछ छोड़ देंगे। मुझे पता है, मैं तो पहले से ही सब कुछ छोड़ चुका हूँ। क्या छोड़ चुके हैं? पता नहीं क्या, पर छोड़ चुका हूँ। देखिए, आप दोनों को कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम ही ये जगह छोड़ के चले जाते हैं। वैसे वो शायर अमीर जो हैं, वो यही आने वाले हैं। आप यही छुपके उनका इंतजार कीजिए और जैसे ही वो आए उन्हें दबोच लीजिए, छोड़िएगा नहीं। प्यार का हमला। आजा, छुपते हैं। कहाँ गए हो तुम मेरे शेर? आमिर खान के बारे में उन्हें पता लगाने को कहा था, अभी तक नहीं आए। अरे मामूजान, आप है, हमें लगा कि आमिर है। देखो, तुम दोनों को हमने आमिर खान के बारे में पता लगाने को कहा था, क्या पता चला? शाही खून है हम मामूजान, हमने आमिर के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। क्या क्या बताओ? मुझे पता है पिताजी, आमिर खान। क्या? सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे नहीं उठते, दोपहर में उठते। हाँ, उसके बाद और सबसे पहले वो दंत मंजन करते, और पिताजी वो अपना सर पुजाते। पिताजी सबसे जरूरी। सबसे जरूरी क्या? सबसे जरूरी वो गरारे करते, वो भी 6 बार। हलत 6 बार नहीं, 7 बार, तेरा ध्यान कहाँ रहता है? और गरारे वो ऐसे करते हैं, आगे बताओ क्या हुआ। उसके बाद मामूजान वो अपने कमरे में, कमरे में नहीं जाता, बाहर चला जाता है। बाहर चला जाता है, किससे मिलता है, क्या बातें करता है? मुझे पता है पिताजी, आमिर खान बातें करता ही नहीं है, वो तो शायरी और गजल सुनाता है। किसको? किसको? खुद को, क्योंकि अम्मी जान के अलावा उसकी शायरी और गजल कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। भी हम आप दोनों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्या वाहियात खबर लेकर आते हो? जाओ और उस पर नजर रखो, चील की तरह उस पर नजर रखो, तो जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पका रहा होगा। गलत मामूजान, हमने उस पर पूरी नजर रखी, लेकिन उसने कोई भी खिचड़ी दाल चावल कुछ नहीं पकाई, वरना हमें इतनी भूख लग रही थी हम कुछ खा नहीं लेते, है ना वासु? अरे जाओ कदम, मतलब हमारे शेरों, जाओ और आमिर खान पर चील की तरह नजर रखो, आंखों से ओझल होने ना पाए। पिताजी, ये शेर चील की तरह कैसे नजर रख सकता है? बड़े ही अद्भुत मुजस्मे थे वो, काश कोई मुझे तोहफे में देता तो मैं 1000 शेर उस पे लिख देता, जैसे कि ये।
शहंशाह के दरबार में गजब के सिपह सालार हैं। शहंशाह के दरबार में गजब के सिपह सालार हैं, एक नहीं दो नहीं पूरे चार चार हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो सिर्फ यूं ख्यालों में नहीं सोचता, बल्कि उस कला की मूरत को गले से लगा लेता, लिपट जाता। आखिर आप आ गए ना यहाँ। आप चाहें तो हम यहाँ है भी जाएं। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं। अपने किसी भी रिश्ते का किसी से जिक्र ना कीजिएगा। और हाँ, एक इल्तिजा और है आपसे, किसी को ये खबर न चले कि मैं आपको जानता हूं, क्योंकि मुझे तो अपना मकसद पूरा करना है। अगर मैं आपकी जगह होता तो ऐसी बात भी नहीं करता। कुछ चीजों को समझना ही काफी है। इत्मीनान रखे और बेफिक्र रहिए, क्योंकि अब हमारा जाने का वक्त आ गया है। छोड़िए, हमें किसी की शायरी नहीं सुननी और ना ही हमें किसी शायर की प्रेरणा बनना है। अरे उर्वशी जी, गजब ढा रही हो, वो पूरे महल का गुस्सा हमें दिखा रही हो। अरे किस्मत से आप मिल गई हो, कसम से सच कहता हूँ, मेरे साथ मिल जाओ फिर तो मैं अपनी शायरी से धूम मचा दूं, रंग जमा दूं, रेगिस्तान में फूल खिला दूं। छोड़िए, बंद कीजिए इस मोहतरमा के आगे पीछे घूमना, क्योंकि ये मोहतरमा है हमारी प्रेरणा। दूर हो जाओ हमारी नजरों से, बाहर निकलो इस कमरे से। अरे इस हालात पर तो शेर याद आया, अर्ज किया है। क्यों, किसी ने कहा आपसे अर्ज करने के लिए? क्यों अर्ज किया है? अरे शायर मोहताज नहीं किसी की इजाजत का, हट जाओ वरना गिरा देंगे पर्दा हिफाजत का। मेहमान होकर मेजबान पर नजर डालते हैं, अभी जहां पनाह से कहकर आपको बाहर निकालते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। उर्वशी, तुमने पहले से ही जहां पनाह पर जादू किया है, इस बेचारे मासूम शहर पर अपने हुस्न का जाल बिछा रही हो। अभी इसी वक्त इस महल से निकल जाओ, ये हमारा हुक्म है। नहीं अम्मी जान, सारे फसाद की जड़ तो ये शायर है, हमारी उर्वशी, हमारे महल की उर्वशी तो निर्दोष है। हम अभी इस शायर को इस महल से बाहर निकालते हैं। हाँ सलीम भाई साहब, बहुत दूर छोड़कर आना आप इन्हें, और साथ में आप भी चले जाना, तब तक मैं उर्वशी जी का ख्याल रखूंगा ना। चलिए बाहर। अरे छोड़ दो सलीम, रानी छोड़ दो। अरे चुप, रानी जी बचाइए इसको, तो बाहर भगाइए। फूलचंद, आज तुम्हारे हाथों से मालिश करवाकर हम बहुत खुश हैं। आज जहां पना भी हमसे बहुत खुश है। पूछो पूछो क्यों? क्यों हुजूर? क्योंकि हमारे भेजे हुए फरमान की वजह से दाऊद खान ने अमन प्रस्ताव स्वीकार कर शांति का समझौता कर लिया है, और बीरबल हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए। फूलचंद, ये लो अंगूठियां। शुक्रिया हुजूर। अरे शुक्रिया किस लिए, इसे यहां रखो और हमारी उंगलियों की मालिश करो। रखो यहां, हम बाद में पहन लेंगे। रखो उंगलियों की मालिश करो। बलदेव जी, दाऊद खान ने पानीपत तो हमारे हवाले किया नहीं, बल्कि बारामुल्ला पर हमला कर दिया, और ये संदेश भेजा है कि शांति का प्रस्ताव, शांति के दस्तावेज उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। क्या क्या कह रहे हैं आप? जहां पना ये खबर सुनेंगे तो हमारी चोटियां कटवा देंगे। आखिर हमने उन्हें समझौते की सलाह दी थी। बलदेव जी, हमने तो यहां तक सुना है कि वो दिल्ली पर हमला करने वाले, उसकी योजना है कि
चारों तरफ से हमें घेर कर वो हम पर कब्जा कर लेगा। चलिए बलदेव जी, युद्ध की नीति बनानी होगी, इस दाऊद खान को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। चलिए चलिए। हमें दुश्मन पर इस तरह से हमला करना है कि उन्हें पता भी ना चले कि हमने उन पर हमला किया। हमें तो लगता है कि हम पहले उनको फरमान भिजवा देते हैं कि हम उन पर हमला करने आ रहे हैं। दुश्मन को भी तो लगना चाहिए कि किसी शाही खून ने हमला किया है। आप दोनों कुछ समय के लिए चुप रहेंगे, वरना जहां अपन आप दोनों पर हमला कर देंगे। बलदेव जी, उज्जैन हमारे राज्य का हिस्सा है, उज्जैन के सारे खुफिया रास्ते हमें पता है। हमारे सैनिक रात के अंधेरे में खुफिया रास्तों से जाएंगे और किले की पिछली दीवार से घुसकर दुश्मन के सैनिकों पर हमला कर देंगे। सुबह तक फतेह हमारी होगी। ठीक कह रहे हैं बीरबल जी आप, रात के अंधेरे में दुश्मन हमें देख नहीं पाएंगे। हम अपने सैनिकों को हमले के लिए तैयार करवाते हैं। बलदेव जी, बुरी खबर है। सुनाइए सुनाइए हुजूर, मैंने अभी अभी कान साफ किए हैं। बलदेव जी, उज्जैन के किले की लड़ाई में हमारे सैनिक हार गए। योजना के मुताबिक हमारे सैनिकों ने किले के पीछे से वार किया था, पर दुश्मन के सैनिक किले के पीछे की तरफ ही तैनात थे। जरूर कोई जासूस होगा जो हमारी सारी खबरें दाऊद खान तक पहुंचाता होगा, पर कौन हो सकता है? तेरे दिल के खुफिया रास्ते में घुसकर अपनी जगह बना लूंगा और अपनी मीठी शायरी के अंदाज से आज रात तुझको फतेह कर लूंगा। बलदेव जी, इस भटकती आत्मा पर नजर रखनी होगी। बीरबल जी, इस मामले में हम अब भी चार कदम आगे हैं। हमने पहले ही अपने दो होनहार जासूसों को इनके पीछे लगवा दिया है। लगा दिए हैं तो कहाँ है? इनके पीछे दिख क्यों नहीं रहे? वो जासूस हैं, धीरे धीरे आ रहे होंगे। उर्वशी जी, अरे डरिए मत, हम हैं शाही खून, शहजादे सलीम। छोड़िए, खुद डराने वाले कहते हैं डरिए मत। हम जानते हैं उर्वशी जी कि आप बहुत नाराज हैं ना। अम्मी जान ने आपको इस महल से बाहर निकलने की बात कहकर अच्छा नहीं किया, लेकिन आप घबराइए मत, हमारे फौलादी दिमाग में इस बात के लिए एक प्यारा सा हल है। हाँ, आप हमसे निकाह कर लीजिए, उसके बाद आप इस महल की हो जाएंगी बेगम, फिर आपको इस महल से कोई नहीं निकाल पाएगा। मुझे पता उर्वशी जी, सलीम भाई साहब को तो फूफू एक ना एक दिन लात मारकर बाहर निकाल ही देंगे, पर मुझे नहीं निकालेंगे, इसलिए आप मेरी बेगम बन जाइए बस, फिर फूफू आपको भी महल से बाहर नहीं निकालेंगे। उर्वशी जी, उर्वशी जी, उर्वशी जी, उर्वशी जी, गजब ढा रही हो, वास्तु के साथ साथ शहजादे सलीम को भी बेवकूफ बना रही हो। मेरी समझ में नहीं आता उर्वशी जी, आप इस चिड़ियाघर में क्यों रहना चाहती हैं? मेरे साथ चलिए, मैं दुनिया की सैर कराऊंगा, धूम मचा दूं, रंग जमा दूं, रेगिस्तान में फूल खिला दूं। हमें नहीं देखनी है दुनिया, हम जैसे हैं ना, हम बिल्कुल ठीक हैं। धूम मचा दूंगा, रंग जमा दूंगा। आमिर जी, होश में रहिए वरना आपके होश उड़ा दूंगा। उर्वशी जी, आपके लिए जापना अकबर का संदेश, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपको महल से कोई नहीं निकालेगा। उर्वशी जी, आप समझती क्यों नहीं, आप मेरी शायरी की प्रेरणा है, मेरी बात मान जाइए। धूम
मचा दूं, रंग जमा दूं, रेगिस्तान में फूल खिला दूं। बलदेव जी, हमने उस जासूस का पता लगा लिया है जिसने हमारे हमले की खबर दाऊद खान तक पहुंचाई। कौन है वो काफिर? अभी बताते। सिपाहियों, शायर आमिर खान। जी बलदेव जी, शायर आमिर खान। शाही खून है हम। हमने और वासु ने सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक, मेहमान खाने से लेकर गुसल खाने तक आमिर खान का पीछा किया था, लेकिन हमें कभी ये किसी से बात करते हुए नजर नहीं आए। शहजादे सलीम, ये कोई मामूली जासूस नहीं, शायराना जासूस है। ये शायरी के द्वारा अपना संदेशा अपने साथियों तक पहुंचाते। नहीं समझे आप लोग? हम बताते। ये रही इनकी ही लिखी हुई एक शायरी। अर्ज करते हैं कि सुने हसीना पानी मत पीना, रात को आएंगे तेरे आशिक किले पर सफल करने तेरा जीना। अब इस शायरी का मतलब समझिए। हसीना याने दाऊद खान, पानी मत पीना याने भूखे रहना, चौकन्ने रहना, रात को आएंगे आशिक याने हम, सफल यानी कत्ल करने किले को हासिल करने। हम तो समझते थे कि मदमस्त शायर मस्ती में शायरी करते रहते, मगर दरअसल असल में ये शायरी द्वारा अपने साथियों को संदेश भेजा करते थे। इन्होंने साबित कर दिया कि दोस्त दोस्त होता है और भाई भाई। बलदेव जी, असल में आमिर खान दाऊद खान के चचेरे भाई हैं। बताइए है या नहीं, बताइए। हाँ हाँ, दाऊद खान मेरा चचेरा भाई है, लेकिन मैं अपने भाई गरीब खान के कत्ल का बदला लेने आया था। जी, हमने तो पहले ही कहा था, दोस्त नहीं दुश्मन है। लेकिन आपको तो बीमारी है ना हमारी बात ना मानने की। हम तो चाहते हैं कि इन्हें तुरंत फांसी की सजा सुना दी जाए। बिल्कुल सही कहा बलदेव जी, हम आपकी राय से बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन इसकी सजा हम बाद में मुकर्रर करेंगे। फिलहाल दाऊद खान दिल्ली पर हमले की तैयारी कर रहा है, हमें जल्द से जल्द एक योजना बनाकर जहां पना तक पहुंचाने। बिरबल, इतनी रात गए खुफिया तरीके से हमें क्यों बुलवाया? अरे दाऊद खान का जासूस तो पकड़ा गया ना। बलदेव जी, वो इसलिए कि हमें डर था कि हमारी बातें कोई सुन ना ले। वैसे भी आप तो ये जानते ही हैं कि दीवारों के भी कान होते, और हम नहीं चाहते थे कि हमारी बनाई हुई योजना किसी को पता चले। बलदेव जी, हमें ये पता चला है कि दाऊद खान बारामुल्ला के किले में, और हमने ये योजना बनाई है कि हम बारामुल्ला के मुख्य द्वार पर जाएंगे और दाऊद खान को ललकारेंगे, और जैसे ही दाऊद खान बाहर आएगा और मुख्य द्वार खुलेगा, हम उस पर हमला कर देंगे। बीरबल जी, दाऊद खान क्या दूध पीता बच्चा है जो आपकी गोद में बैठ जाएगा और आप उसे पकड़ लेंगे? मामूजान बहुत बुरा था। हम जानते हैं बलदेव जी कि दाऊद खान कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, लेकिन बीरबल ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। दाऊद खान के मुख्य द्वार पर जो सैनिक, उसमें कुछ हमारे सैनिक मिले हुए जो दाऊद खान की फौज में भर्ती हो गए, बस वो हमारे लिए मुख्य द्वार खोलेंगे और हम दाऊद खान पर हल्ला बोलेंगे। दाऊद खान की फौज में हमारे सैनिक? लेकिन ये बात हमें क्यों नहीं पता है? वो इसलिए बलदेव जी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे और जापना के अलावा ये बात किसी और को पता चले। हमारी युद्ध नीति ही बदल दी। हम
धूम मचा दूं, रंग जमा दूं, रेगिस्तान में भी फूल खिला दूं। ए खून चूसने वाले मच्छर, नहीं हूं मैं कलंदर या सिकंदर, मैं तो हूं अदना सा एक शायर। अब तू मुझ पर रहम कर, रहम कर, रहम कर। शायर आमिर? कौन? उर्वशी, मैं तो समझा आप मुझे भूल गई, मगर मेरे गम में आप कितनी फूल गई। हम रानी साहिबा हैं, आपको हम इस कैद खाने से छुड़वा सकते हैं और आपकी जान भी बचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं सब करने को तैयार हूँ। आपको हमारा निजी शायर बनना होगा और हमारी खूबसूरती की तारीफ में शायरी करनी होगी, हमेशा हमेशा। तड़प तड़प कर नरक का जीवन नहीं है बिताना, उससे तो अच्छा है ये कैद खाना। अब मैं कब तक जुल्म सहूंगा? और रानी साहिबा आप ही बताओ, तरबूज को कब तक गुलाब का फूल कहूंगा? रानी साहिबा, दिल तो अभी बच्चा है, रहने दो, ये कैद खाना ही अच्छा है। खुशामदीद, खुशामदीद। आखिर हमने दाऊद खान पर फतेह पाई। शाबाश बीरबल, शाबाश वजीर आजम। किस खूबी से आप लोगों ने अचानक से पीछे के द्वार से हमला करके उज्जैन को वापस ले लिया और उसके बाद किले की चोटी पर पहुंचकर सामने वाले सैनिकों को, जो ना जाने किसका इंतजार कर रहे थे, सबको खत्म कर दिया। वाह 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 वाह, शुक्रिया जापना, शुक्रिया। लेकिन बिरबल जी, एक बात हमारी समझ में नहीं आई। कल रात आपने सामने के द्वार पर हमला करने की योजना बनाई थी, तो आपने अचानक पूरी योजना ही बदल दी, आखिर क्यों? ये बात हम आपको बताएंगे नहीं, दिखाएंगे। लेकिन आप लोगों को थोड़े दूर से देखना होगा, क्योंकि पास जाने पर जान का खतरा हो सकता है। ये क्या है बीरबल, ये मुजस्तमे इस तरह हील कैसे रहे हैं? ये हो क्या रहा है? जा बना, ये मुजस्तमे नहीं, दाऊद खान के जासूस है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। आप दोनों का खेल खत्म हुआ, ले जाइए इन्हें। ये जासूस कैसे हो सकते हैं बीरबल? ये तो घंटों तक मुजस्तमे बनकर हमारी आंखों के सामने खड़े रहते थे। इतने लंबे अरसे तक कोई ऐसे कैसे खड़ा रह सकता है? जा बना, ये अल मगरिब के खास जासूस है। ये घंटों तक क्या, दिनों तक ऐसे ही खड़े हो सकते हैं। कठिन परिश्रम किया है इन्होंने, और जब इनका परिश्रम पूरा हो जाता है तो इन पर सुनहरा रंग लगाकर मुजस्तमे की तरह इन्हें पेश किया जाता है। बीरबल, लेकिन ये बताइए कि ये अपनी खबर बाहर पहुंचाते कैसे थे? जापना, आपने ये तो सुना होगा कि दीवारों के कान होते हैं। इन्होंने दीवारों में ही कान बना दिए, नहीं समझे? हमारे महल की एक दीवार की ईंट इन्होंने ढीली कर रखी और उसी के द्वारा ये अपने साथियों तक संदेशा पहुंचाया करते थे। इनके बारे में आपको पता कैसे चला बीरबल? जापना, हमें इन पर शक तब हुआ जब हमने शायर आमिर खान के हाथों में सुनहरा रंग लगा देखा।
धूम मचा दूं, रंग जमा दूं, रेगिस्तान में फूल खिला दूं। हम समझ गए जापना कि आमिर खान के हाथों पर लगा हुआ रंग मुजस्तमे पर लगा हुआ रंग और इनका सारा खेल हमारे समझ में आ गया। बिरबल जी, जब आपको सारा खेल पता था तो इन जासूसों को पकड़वाया क्यों नहीं? तो इसलिए बलदेव जी कि इन जासूसों को पकड़ना हमारा असली मकसद नहीं था। हमारा असली मकसद था दाऊद खान से हमारे दोनों किले वापस लेना। इसलिए जापना हमने इन जासूसों के सामने ही जानबूझकर योजना बनाई कि हम बारामूला किले के मुख्य द्वार पर जाएंगे और दाऊद खान को ललकारेंगे और जब दाऊद खान बाहर आएगा मुख्य द्वार के खुलते ही हम उसे दबोच लेंगे। और हमने किया बिल्कुल इसके विपरीत। हम रात के अंधेरे में किले के पीछे की दीवार से अंदर गए और हमने दाऊद खान को दबोच लिया और इस सब में हमारा साथ दिया शायर आमिर खान। जापना हम तो पहले से ही जानते थे कि शायर आमिर खान बेगुनाह है, बेकसूर है, फिर भी हमने उन्हें गिरफ्तार करवाया क्योंकि हम चाहते थे कि दाऊद खान और उनके जासूसों को यह लगे कि हमें उन पर कोई शक नहीं। और हुआ भी ऐसे। वाह, लेकिन शायर आमिर खान को गिरफ्तार करके हमने बहुत बड़ी गलती की। शायर आमिर खान को रिहा कर दिया जाए। माफ कीजिएगा जापना, पर हमने उन्हें पहले ही रिहा कर दिया है। आमिर खान जी आइए। जहां पना की खिदमत में शायर आमिर का आदाब। शायर आमिर खान, आपने बीरबल की मदद करके हमारी रियासत की मदद की है, बताइए हम आपको क्या तोहफा दे सकते हैं? जहां पना, आपकी इजाजत हो तो एक खूबसूरत सा तोहफा मांग लूं आपसे। जी, मेरी दिली तमन्ना है कि मेरी शायरी की नई प्रेरणा यानी कि उर्वशी को मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। आमिर खान जी, जहां पना ने आपको जुबान दी है कि आपको जो चाहिए वो आपको दिया जाएगा, पर ये जुबान नहीं दी है कि आपको जो चाहिए वो आप ले जा सकते। उर्वशी आपको चाहिए, आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको यही रहना होगा और यहां रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ काम काज तो करना होगा। तो आपके लिए ये काम सही रहेगा, आप रानी साहिबा के निजी शायर बन जाइए। रानी साहिबा की खिदमत में रात दिन जागना पड़ेगा, अब तो उर्वशी का चक्कर छोड़कर यहाँ से भागना पड़ेगा। अरे उर्वशी तो आइए, आमिर खान जी।